और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, पाकिस्तानी गायकों के विरोध की घटना एक बार फिर सामने आई है और इस बार विरोध हो रहा है राहत फतेह अली खान का। अहमदाबाद में उनका विरोध प्रदर्शन, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, शिवसेना ने यह विरोध किया। इससे पहले याद होगा आपको, देश के अलग अलग शहरों में गुलाम अली के कॉन्सर्ट का भी विरोध हुआ, जिसके बाद उनका कॉन्सर्ट रद्द भी हुआ। हाल ही में वाराणसी में भी विरोध की घटनाएं देखने को मिली थी और अब एक बार फिर पाकिस्तान के गायक राहत फतेह अली खान का विरोध हुआ है। या आप देख रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर उनके लगाए गए थे जो कॉन्सर्ट उनका होने वाला था अहमदाबाद में, लेकिन शिवसेना इसका विरोध कर रही है। और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता गोपी घांगर जुड़ गई है हमारे साथ। गोपी, कब ये कार्यक्रम होना था और अभी किस तरह से कहां कहां ये विरोध हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मीनाक्षी, ये कार्यक्रम 30 तारीख को होना था, इसी महीने की 30 तारीख को अहमदाबाद में ये कार्यक्रम होना था, जिसको लेकर आज शिव सैनिकों ने जो राहत फतेह अली खान के पोस्टर्स लगे हुए थे अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में, वो उन्हें फाड़े हैं और उनका विरोध किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो राहत फतेह अली खान का कार्यक्रम जो अहमदाबाद में होना है वो नहीं होने देंगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी सिंगर है। हालांकि गौरतलब है कि कुछ ही दिनों पहले अहमदाबाद में यहाँ पे गुलाम अली आए थे, उस वक्त भी जब गुलाम अली का भी प्रोग्राम का आयोजन किया गया था तब भी शिवसेना ने विरोध किया था। इसके पहले जब इसे, ये पहली बार नहीं है कि अहमदाबाद में शिव सैनिकों के जरिए किसी पाकिस्तानी कलाकार का विरोध किया गया हो। जी गोभी, 30 तारीख को ये कार्यक्रम होना है, इस बीच के आयोजक भी इस पर कुछ कह रहे हैं जब ये विरोध शुरू हुआ है उसके बाद? जी बिल्कुल, अभी तक आयोजक इस मामले में कुछ भी बयान नहीं दिया है। हालांकि आयोजक यही कहते हैं कि उनका जो ये कार्यक्रम है वो बरकरार रहेगा। हालांकि शिव सैनिकों का विरोध आगे किस और बढ़ता है, किस और उसका रुख रहता है, उसके आधार पर ये कार्यक्रम का फैसला लिया जाएगा, जो आयोजक है वो फैसला लेंगे। शुक्रिया गोपी आपका इस जानकारी के लिए। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है, ये खबर अभी अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 15